फिल्म की शुरुआत में हमें ग्रीन पैच नाम की एक जगह को दिखाया जाता है और वहीं हम ब्लिंकी नाम के एक वाला को देखते हैं जो अपने डैड बिल कोआला की कहानी बता रहा होता है कि किस तरह उसके डैड की मौजूदगी में वहां रहने वाले सभी जीव जंतु खुशी और शांति से रहा करते थे। ग्रीन पैच में ही क्रैंकी नाम का एक गुआना भी रहता था जो अक्सर वहाँ के छोटे जीवों को परेशान किया करता था, पर बिल के आगे उसकी जरा भी नहीं चलती थी। एक दिन बिल व्हाइट ड्रैगन्स की तलाश में रेगिस्तान के सफर की ओर निकलने वाला होता है, तभी उसका बेटा ब्लिंकी वहाँ आ जाता है। वो अपने डैड से उसे भी अपने सफर पर ले चलने को कहता है, पर उसके डैड उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि रेगिस्तान का रास्ता रहस्य और खतरों से भरा है और वो जगह किसी नन्हे कोआला के लिए नहीं है, और उसे अपनी मॉम का ख्याल रखने का बोलकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। पर उनके जाने के एक साल बाद भी वो वापस नहीं लौटते, जिस कारण ब्लिंकी और उसकी मॉम को बिल की बहुत चिंता होती है। और अब बिल की गैर मौजूदगी में क्रैंकी भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुका था, इसलिए भी ब्लिंकी अपने डैड का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। एक दिन ब्लिंकी क्रैंकी को सबक सिखाने का सोचता है और अपने दोस्तों की मदद से अपनी मॉम से बचते हुए घर से बाहर निकल आता है, जहां वो क्रैंकी को भाषण देते देखता है जो वहां के जीवों को बिल्कुल सभी को छोड़कर भागने वाला कायर बता रहा होता है। तभी ब्लिंकी की मॉम वहां पहुंच जाती है जो क्रैंकी के इस बात से उससे बहस करने लगती है। उतने में ब्लिंकी क्रैंकी को सबक सिखाने वहां पहुंच जाता है, पर उसका यह प्लान फेल हो जाता है और क्रैंकी उसके पीछे पड़ जाता है, पर ब्लिंकी उसे बड़ी ही आसानी से चकमा देकर बच जाता है। पर क्रैंकी उसके घर तक पहुंच जाता है जहां वो ब्लिंकी और उसकी मॉम को कहता है कि कल वो इस जगह को बाहरी दुनिया से सील कर देगा और फिर वो इसे अपना महल बनाएगा। ये सुनकर ब्लिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रैंकी के बढ़ते बुराइयों को देखकर मॉम से अपने डैड को ढूंढने के लिए चलने को कहता है, पर उसकी मॉम ऐसा नहीं कर सकती थी और वो उससे कहती है कि ग्रीन पैच को हमारी जरूरत है और हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और वो ब्लिंकी को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ब्लिंकी को इसके लिए मना कर देती है। पर इसे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से नाराज होकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है। पर वहाँ वो तय करता है कि वो किसी भी हाल में अपने डैड को ढूंढ लाएगा, इसलिए वो सुबह होते ही बिना अपनी मॉम को बताए अपने घर से निकल आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि इस बीच वो उसकी मॉम को उसके बाहर जाने के बारे में पता न चलने दे। और फिर वो एक केव से होते हुए ग्रीन पैच से बाहर निकल आता है, जहां वो सबसे पहले एक मरे हुए छिपकली को देखता है जो किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। वो उसे उठाकर देखने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। तभी उसके सामने एक ट्रक आने लगता है, ये देखकर ब्लिंकी डर जाता है और एक गैस स्टेशन के पास आता है। तभी उसे भूख लगने लगती है और उसे अपने सामने एक शॉप नजर आता है जिसमें खाने के बहुत से सामान होते हैं, इसलिए वो शॉप के अंदर चला जाता है। वहीं हम रूफस नाम के एक कैट को देखते हैं जो एक रैट को अपना शिकार बनाने वाला होता है, पर तभी उसे ब्लिंकी की खुशबू आती है और वो उसकी तलाश में उसी शॉप के अंदर आ जाता है। वहाँ जब वो ब्लिंकी को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसका शिकार करने में नाकामयाब रहता है और आखिर में ब्लिंकी उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी के पीछे लटक जाता है जिससे वो रूफस से बच जाता है। पर रास्ते में वो उस गाड़ी के अंदर नर्सी नाम की एक फीमेल कोआला को देखता है जो एक केज में बंद होती है। ब्लिंकी उसे देखकर बहुत शॉक्ड होता है और वो उसे पिंजरे से बाहर निकालने लगता है। नर्सी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जब ब्लिंकी आगे आने वाले एक टनल को देखता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि पहली बार ग्रीन पैच से बाहर आने के कारण उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो टनल को इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर समझ लेता है, इसलिए वो बिना गटरी की बात सुने उसे उस गाड़ी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद गटरी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो मुझे जू ले जा रहे थे लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं खो गई हूँ। तब ब्लिंकी उससे कहता है कि मेरे डैड को तुम्हारे जू के बारे में जरूर पता होगा क्योंकि वो एक बेस्ट एक्सप्लोरर हैं। एक बार मैं उन्हें ढूंढ लूं फिर हम दोनों मिलके तुम्हें जू पहुंचा देंगे। नर्सरी के पास भी और कोई रास्ता न होने के कारण उसे ब्लिंकी की बात माननी पड़ती है और वो दोनों ब्लिंकी के डैड को ढूंढने निकल जाते हैं। और चलते चलते वो एक डेजर्ट के करीब पहुंचते हैं जहां उन्हें गेको नाम का एक लिजार्ड नजर आता है और वो एक पेड़ की डाल में फंसा होता है। उसे जब पता चलता है कि ब्लिंकी और नर्सी व्हाइट ड्रैगन की सागर की ओर जाने वाले हैं तो वो उन्हें कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कहाँ है लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो उसकी बात मानकर उसे डाली से बाहर निकाल देते हैं, पर असल में वो झूठ बोल रहा था, इसलिए वो आजाद होते ही वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वहाँ रूफस नाम का वही कैट आ जाता है। रूफस गेको को वहाँ से दूर फेंक देता है और ब्लिंकी के पीछे पड़ जाता है, पर किसी तरह से वो दोनों गेको के साथ वहाँ से बच निकलते हैं और गेको भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें ब्लिंकी के डैड तक पहुँचने का कोई क्लू नहीं मिलता,
तब नर्सी उस पर संदेह करते हुए उसका साथ छोड़कर चली जाती है और गेको भी उसी के साथ ही चला जाता है। दूसरी ओर जब ब्लिंकी की मॉम उसे देखने आती है तब ब्लिंकी का दोस्त रॉबर्ट ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है ताकि उसकी मॉम को शक ना हो, पर आखिर में उसकी मॉम को ब्लिंकी के वहाँ से बाहर निकलने के बारे में पता चल जाता है। वहीं जब ब्लिंकी अकेले ही चला जा रहा होता है तभी उसे रेगिस्तान में अपने डैड का विजन आता है जो उसे अपने दोस्तों का साथ कभी ना छोड़ने की नसीहत देते हैं, पर तभी अचानक कोई उसे पकड़ लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो नर्सी और गेको भी उसके साथ ही होते हैं जिन्हें वोम्बो नाम के एक भालू ने पकड़ रखा होता है। पर जब ब्लिंकी उसे अपना नाम बताता है तो वोम्बो उससे कहता है कि कहीं तुम बिल के बेटे तो नहीं, क्योंकि वो ब्लिंकी के डैड को पहले से ही जानता था और ब्लिंकी के पूछने पर वो उसे बताता है कि व्हाइट ड्रैगन्स का सागर क्रॉक कैनियन नाम की एक जगह पर मौजूद है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो जगह इस रेगिस्तान का सबसे खतरनाक और भयानक जगह है और आज तक वहाँ पर जाने वाला कोई भी वापस लौट कर नहीं आया, इसलिए वो ब्लिंकी को वापस लौटने की सलाह देता है। पर ब्लिंकी का इरादा पक्का था और ब्लिंकी के इस हिम्मत को देखकर वोम्बो उन्हें अपनी गाड़ी से क्रॉक कैनियन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहां बैरिल और सेरिल नाम की दो सिस्टर बर्ड्स वहां आ जाती हैं। तब वोम्बो उन्हें ही ब्लिंकी और नर्सी को क्रॉक कैनियन तक पहुंचाने को कहता है। बिल ने एक समय पर उनकी बहुत मदद की थी इसलिए वो उसका नाम सुनते ही मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। पर जिस दौरान वो आगे बढ़ रहे होते हैं उस दौरान रूपर्स वोम्बो के पास पहुँच जाता है और उसे ब्लिंकी का पता पूछता है। मजबूर होकर वोम्बो को भी उसे क्रॉक कैनियन के बारे में बताना पड़ता है, ये सुनकर वो भी उसी के पीछे निकल जाता है। दूसरी ओर ब्लिंकी की मॉम उसे ढूंढने के लिए ग्रीन पैच से बाहर चली आती है और अपनी इंस्टिंक्ट की मदद से चलते चलते वोम्बो के पास पहुंच जाती है। वहां वो उसकी हालत देखकर उसकी मदद करती है और वोम्बो उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर वो वोम्बो के साथ ही उसकी कार से ब्लिंकी को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी ओर ब्लिंकी और उसके दोस्त फाइनली क्रॉक कैनियन तक पहुंच जाते हैं। वहां भी सभी ब्लिंकी को उसके अंदर जाने से पहले इस बारे में सोचने को कहते हैं, पर ब्लिंकी वो जगह देखने के बाद भी उनकी बात नहीं मानता और वहां से नीचे उतर जाता है। नर्सी और गेको भी उसके साथ आते हैं पर तब तक रूफस भी वहां पहुंच चुका होता है। वहां ब्लिंकी को कोई चीज अपने डैड की आकृति की नजर आती है। उड़ने में वहां मौजूद खतरनाक क्रोकोडाइल्स की झुंड उनके पीछे पड़ जाती है। बड़ी मुश्किल के बाद वो उनसे तो बच जाते हैं पर तब उन्हें रूफस का सामना करना पड़ता है और यहां बहुत देर तक उनके बीच ये जारी रहता है, पर आखिर में वो उससे बचने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जब ब्लिंकी उस जगह पहुंचता है तो देखता है वहां उसके डैड नहीं होते और उसे वहां अपने डैड की हैट मिलती है और साथ ही वहां मौजूद और भी क्लूज को देखकर ब्लिंकी को लगता है कि उसके डैड यहां मारे जा चुके हैं और इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। पर तब वो अपने डैड की कही बात याद करता है और नर्सी को खुद ही उसके जू पहुंचाने का तय करता है और अगली सुबह उसे वहां ऊंचाई से एक जगह नजर आती है जो देखने में उन्हें जू के समान नजर आती है और वो उस लोकेशन का पीछा करते हुए जू तक पहुंच जाते हैं। वहां नर्सी ब्लिंकी को शुक्रिया करके जू के अंदर जाने लगती है, पर तभी वहां एक जू कीपर आ जाता है जो ब्लिंकी को खोया हुआ कोआला समझकर पकड़कर केज के साथ एक रूम में बंद कर देता है। पर वहां उसे उसके डैड मिल जाते हैं जिन्हें भी जू वाले पकड़कर वहां ले आए थे। ब्लिंकी उन्हें सारी बातें डिटेल में बता देता है तब वो वहां से बाहर निकलने का सोचते हैं और ब्लिंकी को इसके लिए एक आइडिया आता है। दूसरी ओर ब्लिंकी की मॉम को जब ब्लिंकी क्रॉक कैनियन में भी नहीं मिलता तब उन्हें भी वहां से वही जू नजर आता है। वहीं ब्लिंकी और उसके डैड एक साथ मिलकर अपनी सूझबूझ से केज से बाहर निकल आते हैं। उठने में नर्सी और गेको भी वहां आ पहुंचते हैं और गार्ड्स के उन्हें पकड़ने से पहले ही वो सभी वहां से बच निकलते हैं, पर गार्ड्स उनके पीछे लगे होते हैं इसलिए वो उनसे बचने के लिए वहां मौजूद चीजों से एक फ्लाइंग क्राफ्ट को क्रिएट कर लेते हैं। उड़ने में ब्लिंकी की मॉम भी जू तक पहुंच जाती हैं और जिस दौरान वोम्बो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है उतने में वो जू के अंदर घुस जाती हैं। वहीं ब्लिंकी और बाकी सभी जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं उड़ने में रूफस वहां पहुंच जाता है। वो जब उनके साथ बिल को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है क्योंकि बिल ने ही एक समय पर उसकी पूंछ काट दी थी। तभी ब्लिंकी रूफस पर हमला कर देता है और वो ब्लिंकी के पीछे पड़ जाता है और इस बीच बिल उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने की कोशिश करता है पर वो काम नहीं करता। तभी सेरिल और बैरिल वहां आ जाती हैं और वो उनकी इस काम में मदद करते हैं, पर अभी भी रूफस ब्लिंकी के पीछे लगा होता है। पर तभी ब्लिंकी की मॉम वहां आकर रूफस को एक पंच कर देती हैं जिससे रूफस का सिर घूमने लगता है और तभी एक जाइंट क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो रस्सी की मदद से उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं। ब्लिंकी और उसकी मॉम बिल को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और इसके बाद वो जू से बाहर निकल आते हैं और आखिर में ग्रीन पैच पहुंचकर क्रैंकी को भी सबक सिखा देते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।